हेलो दोस्तों, आप सभी को जेमसी की स्वागत किया जाता है एक और धमाकेदार वीडियो में। इस वीडियो को शुरू से आठ तक सुन लेना और अगर समझ में आए तो आप इसे लाइक कर देना और वीडियो को शेयर कर देना। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज हम कुछ पाप के और से बताना चाहते हैं। जो लोग मसीह में आके भी पाप करते हैं वो सावधान हो जाएं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह आने वाले हैं। समय कम है और दिन बुरे हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप लोग याद रखना, जो अभी तक पाप कर रहे हैं, अभी तक पाप करते हैं, अरे सावधान हो जाओ और बचा लो अपने आप को। मेरे प्रिय भाई बहनों, वरना अगर यह गलती से भी छूट गए तो रोना भी नहीं आएगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, बुरी हालत होगी यहाँ पर, इसलिए आप लोग सभी लोग पाप से हर एक पापों को आप परमेश्वर के आगे मान लोगे तो परमेश्वर अभी क्षमा कर देगा। एक एक पाप अपने गिन कर प्रभु से बताओ, प्रभु के आगे अंगीकार करो। परमेश्वर माफ करने के लिए ही आया, परमेश्वर पापियों के लिए ही आया। मेरे प्रिय भाई बहनों, इसलिए याद रखना, आप हर एक पाप, हर एक जो भी छोटे से छोटे पाप आप परमेश्वर के आगे मान लोगे, परमेश्वर अभी आपको क्षमा कर देगा। आपके पाप क्षमा किए जाएंगे। इसलिए हम बताते हैं, जैसे पांच समझदार कुमारियां थी, उन्हीं पांच समझदार कुमारियों के जैसे आप लोग भी तैयार हो जाओ, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह आए और उसके साथ चले जाओ बहुत ही बेहतर है। प्रभु यीशु मसीह आए और उसके साथ चले जाओ बहुत बेहतर है, क्योंकि आग कभी नहीं बुझेगी और कीड़े कभी नहीं मरेंगे। मेरे प्रिय भाई और बहनों, याद रखना कि आग कभी नहीं बुझने वाली है और कीड़े कभी नहीं मरने वाले हैं। इसलिए मेरे प्रिय भाई और बहनों, मन फिराओ और लौट आओ, क्योंकि समय कम है और दिन बुरे हैं। समय कम है, दिन भयानक आने वाले हैं। प्रभु यीशु मसीह बहुत जल्दी आने वाले हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप लोग वचन में ही पढ़ा होगा और किसी न किसी के वीडियो में भी सुना होगा कि अंत के दिन में कलीसिया सताई जाएंगी, बहुत सारे सताएंगे। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, आप लोग अपने अपने आंखों से देख सकते हो, अपने कानों से सुन सकते हो, बहुत सारी कलीसियाएं सताई जाती हैं, बहुत सारी कलीसियाएं सताई जाती हैं। आज पास्टर को मार देते हैं लोग, जिंदा जला देते हैं पास्टरों को। इसलिए समझ जाओ कि प्रभु यीशु मसीह का आना बहुत जल्दी है। मेरे प्रिय भाई बहनों, इसलिए सावधान हो जाओ और बचा लो अपने आप को, क्योंकि जो यहाँ अगर गलती से भी छूट गए तो उनको रोना भी नहीं आएगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, इसलिए याद रखना कि यहाँ छूटना बहुत गलत बात है। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर आए और परमेश्वर के साथ चले जाओ बहुत ही बेहतर है। आज बहुत सारे पास्टर हैं, बहुत सारे लड़कियां भी हैं, बहुत सारे लोग हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, ऐसे लोग हैं कि वो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके भी पाप करते हैं, आज इन लोगों को परमेश्वर के कहर से नहीं डर है। परमेश्वर ने हमारे पापों के लिए वो अपने आप को बलिदान कर दिया, सूली पर भी चढ़ गया, अपना पवित्र लहू बहा दिया। मेरे प्रिय भाई बहनों, और 39 कोड़े उसने खाए। अरे किसके दम है कि एक दूसरे का पाप अपने ऊपर ले सकता है? कोई है ऐसा व्यक्ति जो दूसरे की गलती अपने ऊपर ले सकता है? अरे ऐसा कोई नहीं, सिर्फ मेरे प्रभु यीशु मसीह के सिवा और कोई नहीं है। मेरे प्रिय भाई बहनों, इसलिए याद रखना कि आप लोग अगर पाप करते हो तो आपके पापों का, हर एक पापों का न्याय होगा। इन पापों का आपको लेखा देना पड़ेगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप लोग इसलिए सुधर जाओ। हर एक वीडियो में यही बताया जाता है कि हर एक पापियों, अभी मन फिरा लो, अभी टाइम है। अवसर को बहुमूल्य समझो। मेरे प्रिय भाई बहनों, अभी टाइम है, वक्त है, मन फिरा लो और लौट आओ प्रभु यीशु मसीह के पास, वरना बहुत रोना ही मिलेगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, हालेलुया। इसलिए आप लोग याद रखना कि जो लोग अभी तक पाप करते हैं,
पाप से तोबा करें और मन फिराएं, प्रभु यीशु मसीह के पास लौट आएं। हालेलुया। आप सभी को जय मसीह की। मिलते अगले नेक्स्ट वीडियो में। गुड लक।